चैनल मेरा नाम है हैरी और इस चैनल पर हम बात करते हैं म्यूजिक के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ सीखते हैं चीज़ें और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं सो वेलकम बैक आई नो इट्स बिन वाइल मैं ये वीडियो काफ़ी देर बाद बना रहा हूँ uh, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं चैनल पर तो मैं आपको बता दूँ मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था सो so, इस वजह से थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड था आप देख सकते हो मेरा थोड़ा सा स्किन डार्क दिख रही होगी आपको टैन हो चुका है बट येस टुडे वी आर बैक विद दिस वीडियो एंड ये जो वीडियो है आज की इसमें हम बात करेंगे बहुत ही जरूरी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पर इवन मेरे यूट्यूब के वीडियोस जो मैंने मेरे चैनल पर आप लोग देख रहे हो उस पर कॉमेंट्स में लोग ये चीज बहुत ज्यादा यू नो मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह से जो है लिरिक्स जो लिख रहे हैं उसमें हमारी जो हुक होती है सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हुक क्या होती है एंड उसको बेटर कैसे लिखा जाए जो सेकंड सवाल ये आता है सो so, हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि जो हुक होती है हुक बेसिकली क्या चीज होती है और उसको हम कैसे कैची बनाएँ कैसे अच्छा बनाएँ कैसे सुनने लायक बनाएं कि बस जो बंदा सुने तो साथ ही उसके दिमाग में उसके कान पे वो चढ़ जाए सो so, हम उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे हाउ टू राइट लिरिक्स के ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना रखे हैं uh, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ uh, जाकर देख लो मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक डाल दूंगा सो मेक श्योर यू ऑल्सो चेक दैम आउट बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया कि किस तरह से आप लिरिक्स लिख सकते हो किस तरह से आर्टिकुलेट करना है कैसे बीट को सुन के लिखना है सो वो वीडियोज़ भी देखो और आज की वीडियो तो देखने

सो दिस पार्ट इज बेसिकली द हुक दिस इज द कोरस पार्ट सो ये अगर आप ध्यान दो ये जो पार्ट है गाने में काफी बार रिपीट होता है ऐसे ही बहुत सारे गाने हैं हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जिनमें जो मेन जो कोरस पार्ट होता है उसको हुक बोला जाता है वो बार बार गाने में रिपीट होता है अब इस वीडियो में मैं हुक को कोरस भी कह दूंगा सो डोंट गेट कन्फ्यूज हुक और कोरस बेसिकली सेम चीज है सो so, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हुक है यानी कि जो हमारा कोरस है जो हमारा मेन पार्ट होने वाला गाने का उसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं अब ये लोग यू नो कुछ पूछ रहे थे कि रैप सॉन्ग के लिए अलग होता है क्या नॉर्मल सॉन्ग में अगर हम लिख रहे हैं तो उसके लिए कोई डिफरेंट अप्रोच है देखो अप्रोच सेम है हमने जो हुक लिखना है उसको हमने इंटरेस्टिंग बनाना है सो अप्रोच इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा मेन हमारा जो काम है जो हमारी कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि उसको हम ईजी टू कैच बनाएं अब ईजी टू कैच का मतलब क्या होता है अब देखो इंडियन ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सबसे पहले हमें चीज़ अड्स करनी पड़ेगी जो हमारी ऑडियंस है जो हमारे भारतवर्ष में हमारे लोग हैं जो हमारे गाने सुन रहे हैं वो आते कहाँ से उनकी बैकग्राउंड क्या उनकी है उनकी बैकग्राउंड है गुड क्लासिकल म्यूज़िक जो बहुत साल पहले चलता था उसके बाद वो धीरे धीरे करके बॉलीवुड म्यूजिक आया फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आया और जब मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ मेलेडीज़ की अब आप लोग जानते ही हो नाइनटीज़ के जो दौर में जो मेलेडीज जो म्यूजिक चलता था बहुत ही ज़्यादा कैची बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुनने में और बहुत ही ज़्यादा लोगों की जुबान भी चढ़ जाता था यू नो लोग साथ साथ गाते थे उसको तो क्या रीज़न था रीज़न था अच्छी मेलेडीज ऑब्वियसली मेलेडी जो होती है वो हमारे दिमाग में रह जाती है हमारे दिल में रह जाती है और हमें बार बार याद आती है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक ऐसी मेलेडी हो जो कि सुनने वाले के यू नो जुबान पर चढ़ जाए अब अगर हम बात करें रैप सॉन्ग की ऑब्वियसली तो देखो रैप अभी रिसेंटली इंडिया में आया ठीक है इंडिया में लोग उसको अभी समझ चुके हैं काफ़ी हद है तक बिकॉज़ काफ़ी यू नो आर्टिस्ट आ चुके हैं और मूवीज़ भी बन चुकी हैं रैप के ऊपर सो तो यू नो तो फॉर एग्जांपल तो तेरी गली में जो गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वहां से लेकर उसके ऊपर एक मूवी बनी सो लोगों को तो 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 कल्चर समझ आ रहा है धीरे धीरे समझ आ रहा है कि रैप होता क्या है बेसिकली पोइट्री होती है जैसे हम जानते हैं तो इंडियन ऑडियंस के लिए ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं अब रैप में बेसिकली अगर आप हार्ड कोर रैप सुनो जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से आता है तो अगर हम वहां पर सुने तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो रैप बहुत देर से वो हिप हॉप जो कल्चर था वो बहुत देर से चल रहा था तो उनके लोगों के दिमाग में वो चीज़ चढ़ी हुई थी ऑलरेडी अब यहाँ पर इंडियन ऑडियंस के दिमाग में हमें वो चीज़ अगर चढ़ानी है तो हमें थोड़ा सा मेलोडी का सहारा लेना पड़ेगा सो हमारी हुक्स में

और जो हुक पार्ट आता है वो बेसिकली सेम लग रहा है सुनने में उसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा तो यहाँ पे ही गलती हो रही है हमें कोशिश करनी है जो हमारी हुक या हमारा कोरस है उसको हम मेलोडिक बनाएं उसमें हम कोई ट्यून इंक्लूड कर दें या उसको गाएं बेसिकली आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है जो रैपर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे यार हमें तो गाना नहीं आता बट देखो आज की डेट में ना सब कुछ पॉसिबल है भाई क्योंकि आज की डेट में आपके पास सॉफ्टवेयर हैं इतना कुछ आप कर सकते हो उनमें डिजिटली आप अपनी आवाज़ को प्रोग्राम कर सकते हो आप ऑटो ट्यून की हेल्प ले सकते हो बहुत सारे सिंगर्स ले रहे हैं तो उन चीजों के साथ और उसके साथ अगर आप वोकल प्रैक्टिस कर रहे, हो, तो हो, तो रहे हो, हो? चीजें होती है. क्या कर सकता है आवाज में चार चांद लगा सकता है एक बेसुर सिंगर को भी सुर में ला सकता है यह चीज एक्चुअली होती है आई नो बहुत सारे लोग इस चीज की कॉमेंट्स में मुझे बोलेंगे कि आप गलत चीज समझा रहे हो सिखा रहे हो कि यू नो गाना मैं ये नहीं कह रहा कि गाना आप सीखो नहीं गाना सीखो बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है मैं तो इनफैक्ट हर एक बंदे को बोलता हूँ अपने इनबॉक्स में अपने जो डीएम मुझे आते रहते हैं कि भाई जहां से भी हो सके ट्रेनिंग लो सीखो और फिर इस चीज़ में घुसो सो so, इसको सीरियसनेस से लो आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है uh, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर यू नो गलत गा भी रहे हो तो उसको ठीक किया जा सकता है सो नॉट अ प्रॉब्लम आई मीन सॉफ्टवेयर आर देयर जस्ट फाइंड अ गुड पर्सन जो आपकी प्रॉपरली जो गाने की मिक्सिंग कर दे आई नो काफ़ी लोग म्यूजिक जो है फ़ोन पर बना रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं uh, मैं मजबूरी समझ सकता हूँ जो स्टूडियो नहीं जा सकते बट कोशिश करो कि अगर आप किसी भी स्टूडियो में जा सको वहां पर यू नो थोड़ा विजिट करके देखो किस तरह से काम हो रहा है किस तरह से लोग चीज़ें बना रहे हैं क्योंकि वहां जाकर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और सीरियसली म्यूज़िक को अगर अप्रोच करोगे तो वाकई आपको म्यूज़िक सच में आएगा यू you नो know, आपको बस सीरियसली उस चीज़ को अप्रोच करना है इसको एज अ यू नो जस्ट फन के लिए भी अगर आप ज़्यादा लाइट हार्टेडली कर रहे हो ठीक है बट थोड़ा सा सीरियसनेस अगर दिखाओगे तो ज़रूर चीज़ें हो जाएंगी डोंट वरी जस्ट गेट टू अ स्टूडियो इफ़ यू कैन फाइंड अ स्टूडियो गो देयर और किसी भी बंदे को वहां पर जो आपको मिलता है उसको पूछो कि मैंने गाना मिक्स करवाना है मुझे अपनी वोकल अच्छे से ट्यून करवानी है और किस तरह से वो हो सकता है सो यू नो ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट फिर भी अगर नहीं हो पाता है आप घर पर भी कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है आप उसके ऊपर यू नो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और आप उसके ऊपर अपने वोकल्स को ट्यून कर सकते हो मैं आ, कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ कि वोकल्स को ट्यून कैसे किया जाता है कि यू नो उससे आपको हेल्प मिलेगी तो आई ट्राई राइट सो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एक छोटा सा टिप आपको स्टार्ट कैसे करना है आपको इस चीज को अचीव कैसे करना है जो मेलेडी की बात आ रही है जो हमारी हुक में सबसे पहली बात जो क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं लोग कि भाई हम हुक लिखें कैसे हमें हुक लिखने में

क्या बात थी जो पंजाबी नहीं भी समझते वो भी गा रहे हैं सो क्या रीजन है आते हैं उस बात पर सबसे पहले बात करते हैं लिरिक्स की कि हमें कैची लिरिक्स कैसे मिलेंगे सो जो सबसे ईजी ट्रिक है ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो ध्यान से सुनने वाली चीज़ है आपको क्या करना है आपको अपना रैप सॉन्ग लिखना है ठीक है जो रैप का सेक्शन है जो वर्सेस है आप, जो आप 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 आपके वर्स वर्स जितने भी आप दो डाल डाल रहे हो, तीन डाल रहे हो हो तीन अपने रैप को पहले लिख लो ठीक है अब लिखना कैसे है बीट को सुनते हुए लिखना है ठीक है सबसे पहले म्यूजिक अरेंज कर लो या तो किसी से म्यूजिक आप बनवा लो या आप बीट ऑनलाइन भी खरीद सकते हो उसके लिए अलग से वीडियो है आ, मैंने बता रखा है कि आपको बीट्स कहां से मिल सकती हैं उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा देख लेना रैप को पहले लिख लो और उसमें जो फिर आप उसको ना एक बार पढ़ो और देखो कि आपने जो लिखा है उसमें से दो या चार ऐसी कौन सी जो लाइंस हैं जो बेस्ट है जो आपको लगता है कि यार वाह ये जो मैंने लाइन लिखी ना एकदम मतलब खतरनाक लिखी है मतलब सुन के मतलब पढ़ के मजा आ रहा है यू नो ये जो दो लाइनें हैं या ये जो चार लाइनें हैं उसमें से पूरे जो आप लिखोगे ना बारह बार्स का या सोलह बार्स का जो वर्ड्स लिखोगे उसमें से दो लाइनें उठा लो या चार लाइनें उठा लो जितनी भी आपको मिल जाए चार मैक्सिमम है चार से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कम से कम दो या मैक्सिमम चार लाइन्स ऐसी उठा लो जो आपको लगता है कि यार ये मेरी बेस्ट लाइन्स है इस रैप में तो वो जो दो लाइन्स होंगी ना वो जो चार लाइन्स होंगी उनको हम यूज़ करेंगे अपनी हुक के अंदर अपनी कोरस के अब उन लाइंस को हुक में कैसे कन्वर्ट करना है ये आएगी सेकंड चीज तो सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे अब आप इसमें मेलोडी कैसे इंक्लूड करोगे सो हमने कोशिश ये करनी है कि जब हम बीट सुन रहे हैं हम उसको सुनते सुनते हमिंग करें हमिंग क्या होती है मतलब इन द सेंस की कोई भी धुन जो आपके माइंड में आ रही है ना जब बीट आप सुन रहे हो तो जो आपके दिमाग में ट्यून चल रही है उसके साथ आप हमिंग करो यू you नो know, हमिंग करते करते धीरे धीरे आपको ना एक पॉइंट आएगा जब आपको यू नो you know, वो एक जो मैजिक ट्यून होगी ना जो मेलेडी आपके गाने में जा रही होगी वो आपको मिल जाएगी जैसे ही आपको वो ट्यून मिलती है ना उसके अंदर आपने अपने वो दो या वो दो या चार लाइन्स फिट कर देनी है अपनी वो जो मेलेडी उठाओ और उसमें वो जो लिरिक्स जो आपने लिखे थे ना उसको उसी जो आप ट्यून में हमिंग कर रहे थे वैसे ही अपनी लाइन्स को गाना है तो ये हुक बन जाएगी और बिलीव मी ये चीज वर्क करती है मैंने खुद ट्राई की हुई है कि जब आप हमिंग कर रहे हो जब आप साथ गुनगुना रहे हो ना बीट के और कुछ भी जरूरी नहीं कोई वर्ड डालने आप कुछ भी गुनगुना लो आप जबरिश बोल लो यू नो नो इस तरह से भी कर सकते हो और उस धुन पर हमें अपने लिरिक्स को बिठा देना है अब ये जो मेलोडी होगी ना ये आपको नेचुरली आएगी तो ये ध्यान रखना कि जो नेचुरली चीज आ रही है ना वो आपके दिमाग में रह जाती है मतलब आप जब आप हमिंग करोगे ना तो मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैं कुछ हम कर रहा हूँ या, या मैं कोई ट्यून्स बना रहा हूँ दिमाग में हमिंग के साथ कोई बीट चल रही है बैकग्राउंड में और मैं ऊपर हमिंग कर रहा हूँ तो करते करते ना एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कोई कोई धुन आएगी जो मुझे ना ऑटोमेटिकली मेरे को रिपीट हो रही है लाइक like, मैं कर रहा हूँ हमिंग मेरे दिमाग में ना वो बार बार रिपीट हो रही है और मैं उसको खुद से ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ यू नो एक होती है ना नेचुरली चीज़ आ जाती है आपके दिमाग में सो वो नेचुरली जो चीज़ आ रही है ना वो आपकी मैजिक हुक है वो आपकी मैजिक मेलेडी है ऑल राइट सो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ मैंने एक गाने का नाम लिया था ब्राउन रंग हनी सिंह का जो गाना है तो उस गाने में ऐसा क्या था मतलब उसकी हुक जो थी ना अगर आप उसको सुनो मतलब देखो लिरिक्स कितने इजी हैं सबसे पहली चीज़ हनी सिंह जी के लिरिक्स बहुत इजी होते हैं हम सब जानते हैं स्पेशली मैं हुक की बात कर रहा हूँ मैं रैप की बात नहीं कर रहा वो किसी और दिन बात करेंगे कि ऑब्वियसली उस पर वीडियोज़ हैं ऑलरेडी वैसे मेरी बट आज की बात हम हुक पे कर रहे हैं सो so, हुक में क्या था कुड़ी ये नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे बहुत ज़्यादा ईजी लिरिक्स है हर कोई इसको बोल सकता है गा सकता है और इसमें देखो आप पीछे मेलेडी है दा रा र ठीक है हुक में मेलोडी आ रही है ना ये जो ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये ट्यून है तो ये यही मेलेडी है बेसिकली तो उन्होंने अपने लिरिक्स को इस मेलेडी में डाल दिया अब वो ट्यून इतनी कैची है ऑब्वियसली कि सुन के मजा आता है लोग साथ में गाते हैं तो वही चीज है कि एक ऐसी ट्यून आ जाए दिमाग में और उसमें आप अपने लिरिक्स को फिट कर दो दैट्स दैट्स इट यू नो सीक्रेट फॉर क्रिएटिंग अ कैची हुक ले लेते ले हैं आजकल एक गाना बड़ा चल रहा है शुभ जो आर्टिस्ट है बाहर से है फॉरिन कंट्री में रहते हैं उनका एक गाना है स्टिल रोलिंग ये गाना आजकल बहुत ज्यादा रील्स पर ट्रेंडिंग है तो इसमें ऐसी क्या बात है इसकी अगर आपने हुक सुनी हो तो उसमें क्या गड्डी नीवी जी करा के बाई इंच दे पवा के टहर घुम दे नी तेरे शहर घुम दे ठीक है इतना सा है बस गड्डी नीवी जी करा के बाई दे टायर घूम दे तेरे शहर घूम दे सिंपल लिरिक्स राइट बट इसको उन्होंने एक मेलोडी में डाल दिया राइट right? एक ट्यून में गाया है गाने की वजह से वो हमें अच्छी लग रही है तो इस तरह से आपको अपनी हुक्स पे काम करना है आपको कोशिश करनी है एक अच्छी ट्यून उसमें डाल दो और लिरिक्स को सिंपल रखो और परफॉर्म अच्छा करो देखो इस चीज पे तो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए एकदम नाइस nice, मतलब बेस्ट टेस्ट सो कोशिश ये करो जब आप माइक पे परफॉर्म कर रहे हो गा रहे हो अपना बेस्ट दो और ये मत सोचो कि यार कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा यू नो कई लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं यार मेरे से हो नहीं रहा मेरी आवाज ऐसी है मोटी है पतली है जैसी मर्जी भी है भाई कोई टेंशन की बात नहीं है अलग अलग सिंगर हैं हर एक देखो भगवान ने जो आवाज़ दी उसी के साथ करोगे अलग से कोई आवाज़ तो यहाँ से कोई निकलेगी नहीं जो है उसी के साथ हमें काम करना है राइट सो तो उसी को डेवलप करो उसी के साथ करो कुछ बुरा या सही नहीं होता बस करना है जब आप दिल से कोई चीज़ करोगे ना उसकी देखना आउटपुट कितनी अच्छी आएगी मतलब वो मतलब एकदम आप फील करोगे ना जब आप अंदर से जब परफॉर्म करोगे ना दिल से उसको चीज़ को अपनी आवाज़ में वो इमोशन लाओगे जो लिरिक्स है उनके हिसाब से जब आप गाओगे उनके हिसाब से जब आप रैप करोगे आपकी आवाज़ में वो छलकेगा तो आपके गाने जो अच्छे साउंडिंग बनेंगे और लोगों को अच्छे लगेंगे और राइट सो यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये जो आज की हमने जो बातचीत की ये आपको हेल्प करेगी और आप इन जो पॉइंट्स के ऊपर कुछ यू नो काम करोगे जो आप लिख रहे हो जो भी रैपर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आई एम श्योर इन चीज़ों को आप यूज़ करके अपने गानों में आप यू नो अच्छी अच्छी हुक्स लिखोगे और और ज़रूर मुझे भेजना मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि है फाइव स्क़िला उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो ऑबियसली आप करते रहते हो सो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी आपको क्वेश्चन हो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे आ, मेरे इंस्टाग्राम पर भेजो मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा मैं हमेशा करता हूँ चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ चाहे मैं कहीं भी हूँ दुनिया में मैं हमेशा

की हो सकती है आई डोंट नो किस चीज पर बनाए कमेंट्स में लिखो यार किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए आई होप आज की वीडियो आपको uh, मजेदार लगी आपको uh, अच्छी लगी आपने एंजॉय किया अगर आपने किया तो जरूर मुझे बताना दैट्स इट फॉर टूडे वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन